Welcome students, I am Sheikh Alauddin. Today we will discuss theorem 1, which is also known as hand-checking lemma. So पहले statement देखते हैं, क्या statement दिया हुआ है. Sum of the degree of all vertices in a graph is twice the number of edges in it. क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, यानी जितने भी वर्टाइसेस दिए हुए हैं उनकी डिग्री का सम कितना होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन इट. ग्राफ में जितने भी एजेस होंगे उसका डबल होगा. सो हाउ कैन वी प्रूव दिस, सिंपल है प्रूफ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये ग्राफ के ऊपर दिया है तो हमें एक ग्राफ लेना पड़ेगा. सो कंसिडर अ ग्राफ जी और विच इज बेस्ड ऑन वर्टेक्स सेट एंड एज सेट विथ cardinality of V with cardinality of V is N and cardinality of E is M. means क्या, जो vertex set है उसमें N numbers of elements है and edge set है उसमें M numbers of elements है. means N vertex है और M edges है. so that is graph G consists of n vertices. और ये n vertices को हम क्या बोलेंगे, डिनोट करेंगे v1, v2 एंड vn से. एंड m edges से, और इसको एजेस को कैसे डिनोट करेंगे हम, e1, e2 एंड em से. नाउ इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक एज ग्राफ में 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करता है. हाउ, सो सी दिस इज 1 एज, v1 v2, ये एज इसके 2 एंड वर्टाइसेस होंगे. सो यहां पर 1 डिग्री कंट्रीब्यूट करेगा एंड यहां पर V2 के ऊपर 1 डिग्री कंट्रीब्यूट करेगा. सो राइट दिस स्टेटमेंट, ईच एज इज इंसिडेंट ऑन 2 वर्टाइसेस. Therefore, it contributes 2 degrees, while counting degrees of all vertices. Hence, अब क्या होगा, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे. किस तरीके से लिखेंगे, हम जब डिग्री लिखते हैं
कोई भी वर्टेक्स की, तो हम इसको डिनोट करते हैं डी ऑफ वी से। सो राइट डाउन, अभी हमारे वर्टेक्स वी वन वी टू वी एन है, सो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स किस तरीके से लिखेंगे हम, डी ऑफ वी वन प्लस डी ऑफ वी टू अप टू डी ऑफ वी एन, विच इज इक्वल टू, अब ये वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एजेस, वाई, बिकॉज ईच एज कॉन्ट्रीब्यूट टू डिग्री, ईच एज कॉन्ट्रीब्यूट टू डिग्री एंड हर एज इंसिडेंट किस पे हो रहा है, दो वर्टाइसेस पे हो रहा है, हर एज दो वर्टाइसेस पे इंसिडेंट हो रहा है एंड उसी वजह से हर एज कितने डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, टू, दैट इज टू इंटू नंबर ऑफ एजेस, बट नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, देर इज एम एजेस, दैट इज टू इंटू एम। अब इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं हम, किस तरीके से, दस समेशन ऑफ डी ऑफ वी आई एंड आई रन्स फ्रॉम वन टू एन, वन से स्टार्ट हो रहा है और एन पे एंड हो रहा है, सो सम इज रन्स फ्रॉम वन टू एन विच इज इक्वल टू टू इंटू एम एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ किया हमने, कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन द ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन इट, ग्राफ में जितने भी एजेस होंगे उसका डबल वर्टाइसेस के डिग्री का सम रहेगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर वन। अब इसको हैंड शेकिंग लेमा क्यों बोला जाता है, द नेम फॉलो फ्रॉम द फैक्ट दैट एट अ पार्टी इफ एन हैंड शेक्स, एक पार्टी है, एक पार्टी हो रही है, अगर वहाँ पर एन हैंड्स हैं, एन हैंड्स हैं तो वहाँ पर कितने हैंड शेक होंगे, टू एन हैंड शेक होंगे। बेस्ड ऑन दिस हैंड शेकिंग लेमा देर इज वन एग्जाम्पल, सो सी वट इज द एग्जाम्पल, इफ जी इज अ ग्राफ विथ 100 एजेस, कितने एजेस हैं 100, देन फाइंड द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन जी, सिंपल है, जो हमने थ्योरम में प्रूव किया फॉर्मूला हम उसी का यूज करेंगे, बट सबसे पहले आंसर के अंदर जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। सपोज जी हैज एन वर्टाइसेस V1, V2, अप टू VN, हमें वर्टाइसेस के डिग्री का सम मालूम करना है, सो सबसे पहले हमें वर्टाइसेस पता होना चाहिए, तो हमने सपोज किया कि वहां पर N वर्टाइसेस हैं एंड जब N वर्टाइसेस हैं तो कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे, N, देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू N जो हमने सपोज किया है एंड हम नंबर ऑफ एजेस को एम से डिनोट करते हैं, देन नंबर ऑफ एजेस इज 100 एंड वी डिनोट एजेस बाय एम। सो सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ वी आई एंड आई रन्स फ्रॉम वन टू एन बिकॉज देर इज एन वर्टाइसेस इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, हमें क्या पता करना है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ये पूरे जो वर्टाइसेस है उनके डिग्री का सम है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू एम बाय थ्योरम. नाउ 2 इंटू एम इज गिवन 100, 2 इंटू 100 इज 200. सो देयर सम इज 200. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन एनी ग्राफ.